रोबोट के ऊपर एड ऑन लगाकर इसे आप पूरी तरीके से एक स्पाइडर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो और FPV विजन रिकॉग्निशन भी कर सकते हो। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं एक रोबोटिक किट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। इस किट को यूज करके हम लोग रोबोटिक प्रोग्रामिंग और कोडिंग भी सीख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार किट है गाइस। इस किट को मैंने दूसरी कंट्री से मंगवाया है। अगर आप भी इस किट को खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप चाहे तो इस रोबोटिक किट को खरीद सकते हो। ये जो रोबोटिक किट है मेक ब्लॉक की तरफ से आ जाती है और इसका नाम है MBOT मेगा। और दोस्तों, ये जो किट है Arduino C प्रोग्रामिंग भी सपोर्ट करती है। इस तरह के बॉक्स में मिली हमें ये किट। बॉक्स के पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके बहुत सारे फीचर्स, जैसे कि इसके अंदर हमें 4 मैग्नम व्हील्स मिलते हैं, 4 DC मोटर्स मिलते हैं, ATM मेगा 2560 कंपैटिबल है और ये Arduino भी सपोर्ट करता है। मल्टीपल सेंसर्स भी मिल जाते हैं हमें इस बॉक्स के अंदर। काफी मजेदार होने वाली है गाइस आज की वीडियो, तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से मैं इस बॉक्स को कर लेता हूं ओपन। दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ और ऑल पर भी जरूर से क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो दोस्तों, बॉक्स ओपन होते ही यहां पर हमें मिलता है एक फ्री मेंबरशिप वाला कार्ड और हमारा ये जो प्रोडक्ट है 1 ईयर वारंटी के साथ आता है और आप इसे यूज करके 50+ ट्यूटोरियल्स भी सीख सकते हो। और इनके बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप इनके फोटोज वगैरह भी देख सकते हो। तो भाई साहब, क्या गजब की पैकिंग की है इन लोगों ने। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कितना ज्यादा कलरफुल लग रहा है ये। यहाँ पर हमें कुछ अलग अलग कलर्स के बॉक्स नजर आ रहे हैं, तो इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीजें मिली गई। ओ माय गॉड, यहाँ पे और भी बॉक्सेस है। तो चलो फटाफट से इस बॉक्स को मैं आपको ओपन करके बताता हूँ इसके अंदर क्या दिया गया है। तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ से। तो भाई साहब, यहाँ पे है बहुत सारे जंपर केबल्स, देख रहे हो गाइस कितने ज़्यादा रंग बिरंगे केबल्स है। ओ माय गॉड, यहाँ पे है 4 DC मोटर्स। मोटर्स का साइज तो देखो गाइस, कितने बड़े बड़े मोटर्स मिले हमें। यहाँ पर हमें मिला है एक बैटरी होल्डर, इसके अंदर हम तकरीबन 6 बैटरीज तक होल्ड कर सकते हैं। और गाइस, ये हमारे रोबोट की चैसिस, ये शायद इसका नीचे का पार्ट है, और भी इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पूरी तरीके से मेटल का है, आप सुन सकते हो इसकी साउंड। और देख लेते हैं गाइस क्या है इस ऑरेंज बॉक्स के अंदर फटाफट से। भाई काफी मजेदार चीज लग रही है मेरे को तो ये। ओहो, तो गाइस इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स है, देख रहे हो गाइस ढेर सारे सेंसर्स मिले। अरे भाई साहब, और भी सेंसर्स है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देख रहे हो, सारे सेंसर्स बताऊंगा मैं आपको और इन सेंसर्स को किस तरह से यूज करना है और हमारा रोबोट किस तरह से बनाना है इस सेंसर्स को यूज करके, सारी चीजें बताऊंगा मैं। और इस बड़े से बक्से में क्या है देखते हैं फटाफट से इसको ओपन करके। बहुत ही ज्यादा भारी है ये ब्लू कलर का बॉक्स। वाओ, कुछ अलग ही नजर आ रहा है यार इसके अंदर। ओहो, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको सारी चीजें एक एक करके दिखाता हूँ गाइस इसके अंदर से निकाल कर। जैसे कि यहाँ पर हमें मिला है एक स्क्रू ड्राइवर और एक व्रेंच भी मिला है, और यहाँ पे मिला है केबल, और भी चीजें हैं। भाई साहब, कितनी ज्यादा चीजें दी इन लोगों ने। ओहो, यहाँ पे स्क्रूस, नट्स, बोल्ट्स, बहुत सारी चीजें हैं। ये है गाइस हमारे रोबोट की सबसे मेन चीज और सबसे दमदार चीज, ये है मैग्नम व्हील्स। 4 मैग्नम व्हील्स मिलते हैं हमें इसके साथ। और यहाँ पे है इसका फ्रेम, पूरी तरीके से मेटल का फ्रेम है गाइस, ये देख रहे हो। और ये हमारे फ्रेम के ऊपर का हिस्सा है, पूरी तरीके से मेटल का है। और यहाँ पे लिखा है मेक ब्लॉक बोलकर। ये दोस्तों एक क्विक स्टार्ट गाइड, और यहाँ पे लिखा है MBOT मेगा बोलकर, और काफी रंग बिरंगी क्विक स्टार्ट गाइड नजर आ रही है। सारी चीजें इसी के अंदर देखकर हमें एक रोबोट बनाना होता है। तो और भी चीजें हैं गाइस, ये भी निकाल के दिखा देता हूँ मैं। लगता है ये एक मैप जैसा कुछ है। अच्छा, तो लाइन फॉलोइंग रोबोट भी बना सकते हैं हम इसे यूज करके। तो देख रहे हो गाइस, यहाँ पे लिखा है मेक ब्लॉक बोलकर, इसे भी किस तरह से यूज करना है ये भी बताऊंगा इसमें आज की वीडियो में। तो अभी हम जो रोबोट बनाने वाले हैं वो एक मल्टी फंक्शन रोबोट है गाइस। तो हमारा जो रोबोट है, आप चाहे तो उस रोबोट को मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हो,
हैंड जेस्टर से भी कंट्रोल कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो उस रोबोट के साथ। तो चलो दोस्तों अभी फटाफट से मैं आपको एक रोबोट बना के बताता हूँ। दोस्तों हमारा जो रोबोट है ऑलमोस्ट पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अभी जस्ट मुझे इसके अंदर बैटरीज इंसर्ट करना है, तो बैटरीज लगा देता हूँ इसके अंदर मैं। रोबोट को मैंने ऑन कर लिया है गाइस। इसके ऊपर जितने भी सेंसर्स थे सारे सेंसर्स मैंने लगा दिए हैं। यहाँ पर 3 IR सेंसर्स लगा दिए हैं मैंने, पीछे भी दिखाता हूँ मैं आपको कितने ढेर सारे सेंसर्स लगते हैं इसके अंदर। यहाँ पे इसका जो PCB बोर्ड है वो भी लगा दिया है मैंने। यहाँ से आप इसे कोडिंग वगैरह भी कर सकते हो या फिर इसे अपग्रेड भी कर सकते हो, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो इस रोबोट को। पीछे यहाँ पे 2 कोल्यूशन सेंसर्स लगे हुए हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे RGB लाइट्स लगी हुई है। इस RGB लाइट को आप पूरी तरीके से कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लाइन फॉलोइंग 2 सेंसर्स लगे हुए हैं। तो ओवरऑल ये जो रोबोट है काफी ज्यादा भारी हो जाता है इतने सारे सेंसर्स लगाने के बाद। तो इस रोबोट को पूरी तरीके से चलाने के लिए हमें एक ऐप डाउनलोड करना होता है गाइस। ऐप का नाम है MBOT मेगा। आपको गूगल के प्ले स्टोर में ये ऐप मिल जाएगा। ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हैं, अभी इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूं। जस्ट यहां पर आपको टैप करना है। इसके अंदर हमें 2 ऑप्शंस देखने को मिलता है, एक है प्ले मोड एक है कोडिंग मोड। पहले हम प्ले मोड में देखेंगे। प्ले मोड के अंदर यहां पे आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि ड्राइव है, ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग है, लाइन फॉलोइंग है। पहले मैं ड्राइव मोड आपको चला के बताता हूं। फिर नीचे जो RGB लाइट्स है, इस RGB लाइट्स को भी आप पूरी तरीके से यहां से कंट्रोल कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा गाइस मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं सारी लाइट्स। आपको जो कलर लगाना है यहाँ से आप सेट करके, इसकी जो RGB लाइट है यहाँ से आप सेट भी कर सकते हो पूरी तरीके से। इस रोबोट को आप कौन से भी डायरेक्शन में चला सकते हो गाइस, दिख रहा होगा आपको। इसके अंदर मैग्नम व्हील्स होने के कारण इस रोबोट को आप कोई भी डायरेक्शन में चला सकते हो बड़ी आसानी से। बहुत ही स्लो स्पीड से लेकर हाई स्पीड में भी इसे चला सकते हो दोस्तों आप। अभी इसका ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग मोड चेक करते हैं। मैं इसे बिल्कुल भी मेरे फोन से कंट्रोल नहीं कर रहा हूं। इसके सामने जो भी ऑब्स्टिकल आती है वहां से ये जो हमारा रोबोट है बिल्कुल टर्न हो जाता है। तुम्हारा जो रोबोट है अपना रूट खुद ही ढूंढते हुए बाहर निकल चुका है यहां से। अभी लाइन फॉलोइंग मोड को चेक करते हैं इसके। वाव दोस्तों काफी अच्छी तरीके से ये बिल्कुल ब्लैक लाइन पे ही चल रहा है। वाव काफी बढ़िया तरीके से इसके सेंसर्स काम कर रहे हैं। अभी इस रोबोट को जेस्चर कंट्रोल से चलाने की कोडिंग मैं आपको करके बताता हूँ गाइस। उसके लिए हमें एक और ऐप इंस्टॉल करना होता है। ऐप का नाम है MBOT कोडिंग। ओपन कर लेता हूं इसे मैं, ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हूं। तो यहाँ पे आपको सिंपल ब्लॉक से कोडिंग कर सकते हो आप, बहुत ही इजी होता है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। जेस्चर कंट्रोल की सारी कोडिंग मैंने कर ली है गाइस इसके अंदर। अभी मैं आपको मेरे हाथ से इसे कंट्रोल करके दिखाता हूं। वाह भाई मजा आ गया गाइस ये रोबोट चलाकर। ये जो किट है मेरे को काफी ज्यादा दमदार लगी। इसकी हर एक चीज काफी परफेक्ट तरीके से इन लोगों ने बनाई गाइस। इसका डिजाइन आप खुद देख सकते हो पूरी तरीके से मेटल का बना हुआ है और इसके अंदर जितने भी सेंसर्स वगैरह लगे हैं काफी परफेक्ट तरीके से सारे सेंसर्स काम भी करते हैं। इस किट को कुछ अलग तरीके से आप यूज करना चाहते हो तो इसके बहुत सारे एड ऑन्स भी मिलते हैं, वो सेपरेटली खरीदने पड़ते हैं गाइस। इसके ऊपर कुछ एड ऑन्स वगैरह लगाकर आप पूरी तरीके से इसे एक स्पाइडर की तरह भी चला सकते हो और इसके ऊपर कैमरा लगाकर FPV फेस रिकॉग्निशन भी कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही अनलिमिटेड चीजें कर सकते हो आप इस रोबोटिक किट को यूज करके। इस किट को यूज करके आप रोबोटिक्स कोडिंग और प्रोग्रामिंग वगैरह बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हो। ये जो किट है खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है।
अगर आप ये किट खरीदना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने वहां से जाकर आप चाहे तो इस किट को खरीद भी सकते हो। तो दोस्तों पर्सनली मेरे को ये जो किट है काफी ज्यादा जबरदस्त लगी, आपको कैसी लगी गाइस ये रोबोटिक किट मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शॉर्ट आउट, आज मैं दूंगा 10 लोगों को शॉर्ट आउट। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है हर्षल, साग्निक, प्रयाग, एंटोनी, आयुष, शिवराज, रॉबिन, सुकुमार, इश्मित, मायुक। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में धमाकेदार रोबोटिक किट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।